ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। ये सीए फाइनल में आरटीपी में मई 2010 ओल्ड सिलेबस में आई हुई है। अ हेल्थ केयर सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश 30 बेड्स एंड द फॉलोइंग वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट फॉर द होल ईयर इज एस्टिमेटेड। वेरिएबल दे रखी है फिगर्स, फिक्स दे रखी है। डॉक्टर की फीस 900, फूड 200,000, लॉन्ड्री 34। तो वेरिएबल के टोटल है 11364 और फिक्स का है 1766। हेल्थ सेंटर वाज ओपन फॉर 365 डेज। ऑक्यूपेंसी जो है वो है हमारी 165 डेज फुल रहती है, 100 डेज 25 पेशेंट्स होते हैं और बाकी बैलेंस दिन 20 पेशेंट होते हैं। एक्सरे जो कॉस्ट है, ऑक्सीजन मेडिसिन जो है वो अलग से ली जाती है, एक्स्ट्रा ली जाती है। प्रॉफिट हमें रखना है 30% अबव द कॉस्ट। कैलकुलेट द चार्ज पर पेशेंट, ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज। इफ ब्रेक इवन पॉइंट टू बी 50% ऑफ टू बी एट 50% ऑक्यूपेंसी, व्हाट शुड बी द चार्ज पर पेशेंट डेज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें निकालना होगा कि भाई हमारे पेशेंट डेज है कितने। ठीक है ना, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी आरटीपी में आई हुई है मई 2010 ओल्ड सिलेबस में। ठीक है, तो एक हमारा वर्किंग नोट बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल पेशेंट डेज। देखें, नंबर ऑफ डेज, ऑक्यूपेंसी, वन सिक्सटी फाइव तो 100% है, दैट इज 30 बेड। 100 जो डेज है उस दिन कितनी है, 25। और जो बैलेंस है, क्योंकि टोटल 365 होता है एक साल में, तो जो बैलेंस है वो कितने बचे, 100, वो कितने होंगे, 20। तो टोटल कितना होगा, ये 4950, 2500 एंड 2000, 9450। ठीक है, अब देखें, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वन वन थ्री फोर ट्रिपल जीरो। सो वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट कितनी आएगी, 11340 अपॉन 9450, ये आ जाएगी आपकी 120 रुपये। अब हमें बनाना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है पहले तो चार्ज पर पेशेंट डेज बनाना है। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू पर पेशेंट। ठीक है ना, देखिए हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। सर वेरिएबल कॉस्ट है 1,11,34,000 और सर फिक्स कॉस्ट 77,76,000। इसको टोटल कर दें तो जो टोटल कॉस्ट हुई वो ही 29 लाख। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉफिट जोड़ते हैं। प्रॉफिट कितना है, 30% ऑफ कॉस्ट 8,70,000। तो जो टोटल रेवेन्यू हुई
वो कितनी हुई, 37,70,000। ठीक है ना, ये रेवेन्यू हो गई 37,70,000। नंबर ऑफ पेशेंट डेज कितने हैं, वो है हमारे 9,450। सो रेवेन्यू पर पेशेंट कितनी आएगी, 37,70,000 अपॉन 9,450। इसको करेंगे टोटल तो ये आ जाएगी 398.94। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन उसने ये पूछा था। अब दूसरा क्या पूछा था उसने, दूसरा पूछा है उसने ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है डेज। ठीक है, तो हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट वो कितना है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गया। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 70,66,000 अपॉन 278.94, दैट इज 6,331 पेसेंट और ब्रेक इवन पॉइंट पर डे कितना आएगा, 6,331 को वी हैव 365 से डिवाइड कर दें, 17.3454 पेशेंट आ गए। मतलब आपको इतने पेशेंट तो पर डे चाहिए ही चाहिए हैं अपना ब्रेक इवन निकालने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पार्ट, इन्होंने बोला था बी पार्ट कि इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 50% ऑफ ऑक्यूपेंसी व्हाट शुड बी द चार्ज पर पेशेंट डेज। ये ए पार्ट था हमारा। अब बी पार्ट, बी पार्ट में उन्होंने बोला है कि इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 50% ऑफ ऑक्यूपेंसी दैट इज 50% ऑफ 365 इंटू 30 दैट इज 5,475। अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा इतना है देन डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट 17,66,000 अपॉन 5,475 322.56। ओह माय गॉड, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये उसी पेज को चेंज नहीं किया मैंने, इस वजह से ऐसा हो गया है। चलिए इसको पेज चेंज करना होगा, फिर से लिखता हूं मैं। इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 50% ऑफ ऑक्यूपेंसी दैट इज 50% ऑफ 365 इंटू 30 दैट इज 5,475
पेशेंट देन डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 1766000 अपॉन 5475 दैट इज इक्वल टू 322.56। सो रिक्वायर्ड रेवेन्यू पर पेशेंट क्या होगी 322.56 तो मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए और 120 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है ना, सिंपली प्रॉब्लम रहती है, आपको उन्हें समझना है। जब आप समझ लेंगे तो वो प्रॉब्लम्स आपको टफ नहीं लगेंगे। चलिए, थैंक यू।